नमस्कार दोस्तों, पेंट योर प्लेट में आपका स्वागत है। आइए आज हम बनाते हैं वाइट सॉस पास्ता। इसको बनाने के लिए हम कढ़ाई में पानी गर्म करेंगे, उसमें डालेंगे 1 टेबल स्पून ऑयल, 1 टेबल स्पून नमक। इसे अच्छे से हम खोलने देंगे। पानी जब अच्छे तरह उबल जाए तब उसमें हम डाल देंगे पास्ता। पास्ता भी अच्छे से पक जाए तब तक हम उसे उबालेंगे। देखिए हमारा पास्ता उबल गया है, अब हम इसे छान लेंगे। पानी को छान कर निकाल लेंगे। और पास्ता का जो पानी है उसको हम फेंकेंगे नहीं, उसे हम यूज़ करेंगे बाद में। अब हम कढ़ाई में लेंगे बटर। ये मैंने छोटे कटोरी का एक कटोरा बटर लिया है, लगभग 50 ग्राम जैसा है। अब इसे हम अच्छे से पिघला लेंगे। जितना बटर लेंगे उतना ही हम मैदा लेंगे। जिस कटोरी से मैंने बटर लिया है अब उसी कटोरी के नाप से मैं मैदा लूँगी। एक कटोरा मैदा। अब इसे अच्छे से हम भून लेंगे, बिल्कुल भी लम्स आने नहीं देंगे उसमें। अच्छे से भून लेंगे, मैदा का कच्चापन निकल जाना चाहिए। देखिए ये मैदा हमारा अच्छे से भुना भुंजा गया है। अब इसमें हम डालेंगे दूध, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा डालकर मिलाएंगे ताकि लम्स ना पड़े। दूध डालते जाएंगे और मिलाते जाएंगे, लम्स होने बिल्कुल भी नहीं देंगे, चलाते रहेंगे। जितना सॉस, थोड़ा ज़्यादा पतला भी नहीं होना चाहिए, ज़्यादा थिक भी नहीं होना चाहिए, उस कंडीशन में हम उसे पकाएंगे। देखिए अच्छे से घुल गया है, मिल गया है। इसमें और हम डाल देंगे दूध, अच्छे से मिला देंगे और पका लेंगे इसे। अब इसमें हम डाल देंगे ग्रेटेड चीज़, उसे भी मिला लेंगे अच्छे से। चीज़ पिघल जाने तक उसमें हम पकाएंगे, उसे चलाते रहें, इसको छोड़ना नहीं है, नहीं तो वो चिपक जाएगा नीचे। बन गया हमारा वाइट सॉस। अब हम कुछ वेजिटेबल है जिसे हम सौते कर लेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं, हल्का हल्का सौते कर लेंगे। एक चम्मच बटर लिया मैंने। अब इसमें डाइस किया हुआ प्याज और डाइस किया हुआ कैप्सिकम, कॉर्न, स्वीट कॉर्न, गाजर, ये सब हम लोग थोड़ा सौते कर लेंगे इसमें बटर में। अब इसमें डालेंगे गार्लिक, बिल्कुल फाइन चॉप करके। ये 5-6 गार्लिक मैंने चॉप कर लिया है, बिल्कुल हल्का चलाते चलाते सौते कर लेंगे हम सारे सब्जी को, एकदम से पकाएंगे नहीं। अब डालेंगे नमक स्वाद अनुसार। देखिए हो गया हमारा सब्जी भी तैयार। अब इसे हम डालेंगे जो वाइट सॉस मैंने बना कर रखा था उसमें हम डाल देंगे बॉयल पास्ता। अच्छा हल्के हाथ से हम उसे मिला लेंगे। अब हम जो सब्जी सौते करके रखे थे वो डाल देंगे इसमें, इसे भी मिला लेंगे। अच्छी तरह मिला ले सॉस के साथ। ये डाला मैंने चिली फ्लेक्स, ब्लैक पेपर पाउडर और ये मिक्स हर्ब। अब इसे हम मिला लेंगे अच्छी तरह से। अब इसे हम सर्व करेंगे। तैयार है हमारा वाइट सॉस पास्ता। डाल दिया मैंने चिली फ्लेक्स, थोड़ा पाउडर, ब्लैक पेपर पाउडर
और ये मिक्स हर्ब उसे गार्निश कर लिया है। अब तैयार है हमारा वाइट सॉस पास्ता खाने के लिए। तो फ्रेंड्स बनाइए, खाइए और बताइए कैसे बना है शोभा के स्टाइल में। बाय।